बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी टीचर मैडम फरजाना सुहेल हेयर विद द फिफ्थ लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 12. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन एयर. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑफ द ह्यूमन एयर. अल्लाह ताला ने बाहर की दुनिया से सेंसेशंस या स्टिमुलाई लेने के लिए हमारी बॉडी को 5 सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं. इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से 2 सेंसरी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि वेव्स के ज़रिए अपने बाहर के एनवायरनमेंट से सेंसेशंस या स्टिमुलाई लेते हैं और उसको ब्रेन तक भिजवाते हैं. वो 2 सेंसरी ऑर्गन्स जो वेव्स के ज़रिए बाहर की दुनिया से सेंसेशंस रिसीव करते हैं, उन दोनों में एक है हमारा एयर एंड द सेकेंड वन इज़ आर आई. द एयर इज़ द ऑर्गन फॉर हियरिंग. हम सबको पता है कि एयर हमारा वो ऑर्गन है, कान हमारे वो ऑर्गन्स हैं जिसके ज़रिए हम आवाज़ को सुन सकते हैं. फॉर आवर स्टडी पर्पज़ वी डिवाइड द ह्यूमन एयर इन 3 पार्ट्स, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. इन तीनों पार्ट्स ऑफ द एयर को हम डिटेल में इंशाल्लाह आज कवर करेंगे. यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी एनाटॉमी ऑफ द एयर की. एनाटॉमी ऑफ द एयर में अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयर को देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है आउटर एयर. आउटर एयर में द फर्स्ट पार्ट इज़ द पिना. इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास आपको कैनाल नज़र आ रही होगी जो कि कान के अंदर जाती है, विच इज़ नोन एज एयर कैनाल. यहाँ पर हमें कार्टिलेज नज़र आ रहा है, कार्टिलेज जो हमारा पिना बनाता है. एंड मेस्टॉइड प्रोसेस इज़ द बोन इन विच द एयर इज़ प्रेजेंट. दिस इज़ अबाउट द आउटर एयर. आउटर एयर यहाँ पे आके हमारे पास ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हमारा एयर ड्रम या कान का पर्दा प्रेजेंट होता है. उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है ह्यूमन एयर का, दैट इज़ मिडल एयर. मिडल एयर में हमारे पास 3 सेट ऑफ बोन्स होते हैं और इन 3 सेट ऑफ बोन्स को हम कहते हैं ऑसिकल्स. इन ऑसिकल्स का नाम है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज. इसके बाद हमारे पास इनर एयर. इनर एयर में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं फॉर द सेंसेशन ऑफ साउंड. इसमें है हमारे पास वेस्टिब्यूलर ऑर्गन, वेस्टिब्यूलर नर्व, कॉक्लिया नर्व, कॉक्लियर ऑर्गन, मेस्टॉइड प्रोसेस. एंड मिडिल एयर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूस्टेशियन ट्यूब. इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. इस डायग्राम में हमें सिंपली डिवीजन ऑफ एयर नज़र आ रही है. पिना से लेके अप टिल एयर ड्रम हमारे पास आउटर एयर, ऑसिकल्स हमारे पास मिडल एयर और इसके बाद है हमारे पास इनर एयर. यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मिडल एयर इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द एयर. सबसे पहले आउटर एयर को हम पढ़ने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप एक डिश एंटेना को जहन में लाएं तो हमारा जो आउटर एयर का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ पिना, इट इज़ जस्ट लाइक अ डिश एंटेना. ये बाहर की दुनिया से साउंड वेव्स को फनल की तरह कलेक्ट करता है और इसको एयर कैनाल की तरफ सेंड करता है. एयर कैनाल में ये वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड इज़ रिसीव्ड बाय द एयर ड्रम. एयर ड्रम जिसको हम अपने डे टू डे लैंग्वेज में कान का पर्दा कहते हैं. सबसे पहले पिना. पिना बनता है कार्टिलेज से और कार्टिलेज के ऊपर फ्लैप ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है. ये फ्लैप ऑफ स्किन और पिना, दीज आर गोइंग टू मेक द आउटर लेयर ऑफ द एयर. इट रिसीव साउंड वेव्स दे ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल और एयर कैनाल. जो साउंड वेव्स पिना कलेक्ट करता है वो ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल की तरफ ट्रांसमिट कर देता है. सेकेंड पार्ट है हमारे पास ऑडिटरी कैनाल और ऑडिटरी कैनाल का सेकेंड नेम है एयर कैनाल. इसका भी फंक्शन जस्ट लाइक अ फनल है. पहले हम इसकी लेंथ को डिस्कस करेंगे. इसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर और ये आगे जाके एयर ड्रम पे जाके ख़त्म हो जाता है. इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द एयर ड्रम फ्रॉम शॉक एंड इंट्रूजन बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स. ये हमारे एयर ड्रम को शॉक से और उसके अलावा किसी भी फॉरन ऑब्जेक्ट का कान में अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है. देन वी आर हैविंग द मिडल एयर. मिडल एयर इज़ कम्पोज ऑफ 3 सेट्स ऑफ बोन विच आर नोन एज ऑसिकल्स. द एयर ड्रम ट्रांसफर्स द एनर्जी ऑफ अ साउंड वेव बाय वाइब्रेटिंग द 3 बोन्स फाउंड देयर. एयर ड्रम में हमारे पास जो तीनों बोन्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा. फर्स्ट बोन इज़ अटैच्ड विद द एयर ड्रम. एयर ड्रम जैसे ही साउंड वेव्स को रिसीव करता है इसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और ये वाइब्रेशन एयर ड्रम से ट्रांसफ़र हो जाती है टूवर्ड्स द मिडल एयर.
इट इज़ कोन शेप्ड पीस ऑफ स्किन अबाउट 10 मिलीमीटर वाइड। एयर ड्रम हमारे पास कोन शेप का स्ट्रक्चर है और 10 मिलीमीटर वाइड है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इवन द स्लाइटेस्ट प्रेशर वाइब्रेशन विल कॉज इट टू वाइब्रेट। अगर थोड़ी सी भी हमें दूर सी भी कोई आवाज़ आती है तो ये हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। अगर आप रात को सो रहे हों और कहीं पे आपको नलके से पानी के ड्रॉप्स गिरने की भी आवाज़ आती है, जो कि बहुत मामूली आवाज़ होती है, उसकी वजह से भी अक्सर हम नींद से जाग जाते हैं, बिकॉज दिस लाइटेस्ट प्रेशर कैन आल्सो वाइब्रेट आर एयर ड्रम। इट सेपरेट्स द आउटर एयर फ्रॉम द मिडल एयर। एयर ड्रम हमारे आउटर एयर और मिडल एयर के दरमियान का बॉर्डर है, ये इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। मिडल एयर में वी आर हैविंग थ्री सेट्स ऑफ स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी विच आर कॉल्ड ऑसिकल्स। ऑसिकल्स में से सबसे पहली बोन विच इज़ नोन एज मेलियस, इसको हम डे टू डे लैंग्वेज में हैमर बोन कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमें हैमर या हथौड़े की तरह नज़र आती है, सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज हैमर बोन। हैमर बोन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एयर ड्रम, ये हमारे एयर ड्रम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हैमर बोन के साथ अटैच्ड हमारी इनकस बोन है विच इज़ आल्सो नोन एज एनविल। डेयर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपने कॉबलर को विजिट किया हो तो उसके पास एक स्टैंड होता है जिस पे रख के वो जूतों को सीता है, उस स्टैंड को कहते हैं इंग्लिश में एनविल। अगर इसकी शेप को आप देखें तो आपको बिल्कुल उसकी शेप की तरह नज़र आ रही होगी, आयरन स्टैंड की तरह, विच इज़ नोन एज एनविल। बट इन बायोलॉजी वी नोन इट एज एन इनकस। ये टाइनी बोन है दैट पास इज वाइब्रेशन फ्रॉम द हैमर टू द स्टिरप। इसके बाद हमारे पास फाइनल बोन दैट इज़ नोन एज स्टेपीज, या इसको हम स्टेप्स भी कहते हैं। डे टू डे लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं स्टिरप। स्टिरप डे टू डे लैंग्वेज में घोड़े पे चढ़ने के लिए हम जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज स्टिरप, जिसमें पांव रख के हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टिरप। अगर इसकी शेप को देखा जाए तो इसकी शेप बिल्कुल उससे रिजेंबल करती है, दैट्स वाई इन डे टू डे लैंग्वेज वी कॉल इट स्टिरप, बट इन बायोलॉजी वी नोन इट बाय द नेम ऑफ स्टेपीज। इट इज़ 0.25 to 0.33 सेंटीमीटर लॉन्ग। यूस्टेशियन ट्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर। यूस्टेशियन ट्यूब, ये वो ट्यूब है जो कि हमारे मिडल एयर को हमारे बैक साइड ऑफ द नोज के साथ कनेक्ट करता है। इट इक्वलाइजेज द प्रेशर बिटवीन द मिडल एयर एंड द एयर आउटसाइड। नाउ वी आर हैविंग द इनर एयर। अब हमारे पास फाइनली मोस्ट सेंसिटिव पार्ट आ गया है एयर का, दैट इज़ नोन एज इनर एयर। इनर एयर इज़ लाइंग इन द बोनी पार्ट ऑफ द बोन। हमारे स्कल के अंदर अल्लाह ताला ने बोन में इसके लिए एक सॉकेट बनाया हुआ है जिसमें हमारा इनर एयर प्रेजेंट है। सो दिस इनर एयर इज़ हैविंग टू मेन पार्ट्स, दैट इज़ कॉकलिया एंड ऑडिटरी कैनाल। हेयर यू कैन सी द कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉकलिया। दिस इज़ अ स्पायरल ट्यूब दैट इज़ कवर्ड इन अ स्टिफ मेम्ब्रेन। इसके इर्द गिर्द स्टिफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ हेयर सेल्स अटैच टू द एंड ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ऑडिटरी नर्व कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के साथ अटैच्ड होते हैं। दीज टाइनी हेयर्स बेंड बिकॉज द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द साउंड वेव्स। जैसे ही वाइब्रेशन आती है तो ये हेयर सेल्स बेंड हो जाते हैं, एंड इट इज़ अ मैसेज फॉर द ऑडिटरी नर्व दैट देयर इज़ वाइब्रेशन और अ साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द इनर एयर इज़ ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स का फंक्शन है टू कैरी मैसेज अबाउट द सेंसेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द इनर एयर टूवर्ड्स द ब्रेन। द टाइनी हेयर सेल्स ऑफ द कॉकलिया आर सेट इन मोशन बाय वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन स्टिमुलेट टाइनी नर्व सेल्स। द नर्व सेल्स देन सेंड सिग्नल्स अलोंग द ऑडिटरी नर्व्स टू द ब्रेन। ऑडिटरी नर्व्स, दीज नर्व्स रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेटेड बाय द एयर एंड पास दिस इंफॉर्मेशन अप टू ब्रेन सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड। इसका हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस बंदे की आवाज़ आ रही है या किस व्हीकल की आवाज़ आ रही है या बाहर के इन्वायरमेंट से हम कौन से साउंड को रिसीव कर रहे हैं। इनर ईयर का फंक्शन सिर्फ हियरिंग ही नहीं है बल्कि दिस इनर ईयर आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी।
द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाई दीज थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो यहाँ पे हमारे पास इनर एयर में प्रेजेंट है, इनका इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूइड रखा हुआ है विच इज़ नोन एज पेरिलिम्फ. दिस पेरिलिम्फ इज गोइंग टू हेल्प इन द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी टू. थ्री लूप्स ऑफ फ्लूइड फिल ट्यूब्स, अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट आर अटैच टू द कोक्लिया इन द इनर ईयर. दे हेल्प अस मेंटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंस. अगर ब्रेन की का लेक्चर आपको याद हो तो ब्रेन में मेडुला ओब्लोंगेटा को हमने पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी. मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ हमारा इनर ईयर भी हेल्प करता है इन बैलेंसिंग द बॉडी. द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर इज इन सच अ वे दैट साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द आउटर ईयर टू द मिडल ईयर. सबसे पहले पिना साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा, उसको एयर ड्रम के पास, एयर ड्रम इसको भिजवा देगा टूवर्ड्स द मिडल ईयर. मिडल ईयर में जो हमारे पास ऑसिकल्स मौजूद हैं, दे विल रिसीव द मैसेज विच आर देन ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर. इसके बाद ऑसिकल्स के थ्रू ये मैसेज आएगा टूवर्ड्स द इनर ईयर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशनल वेव्स. इन द इनर ईयर द कॉम्प्रेशनल वेव्स आर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस दैट आर परसीव्ड बाय द ब्रेन. This way we can hear and differentiate various sound types. Now dear students, here we are having a summary of the anatomy of ear. You can see different parts of the ear, they are labeled as numbered, and each number, in front of each number, the name of that specific part of the ear is mentioned. Here you can see all these three different bones which are present in the मिडल ईयर. उसके बाद आपको इनर ईयर में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर आपको नजर आ रहे होंगे अच्छी तरीके से. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन इज डिस्क्राइब मिडल ईयर. मिडल ईयर में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है, हर एक बोन का क्या नाम है और किस बोन की लोकेशन किस नंबर पे है. क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इनर ईयर, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ इनर ईयर. दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो अभी आपको मैंने इनर ईयर के बताए हैं, यू हैव टू डिस्क्राइब दोज फंक्शंस. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग हियर विद मी. अल्लाह हाफिज़.